लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। आई नो मेरी आंखें थोड़ी सी वैसी लग रही, नींद वाली लग रही है। मैं उठाऊँ 11 बजे, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, पूरा एकदम सर दर्द हो रहा था, बट अभी तैयार हो गया। 12:10 का समय हो गया है और आज तारीख अभी 18 अप्रैल 2022। आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ होटल से और मुझे आज शाम को मुझे नोएडा के लिए निकल जाना है, और उसके बीच में मेरे पास में जो समय तो थोड़ा सा, क्योंकि यार पता है बात ये थी कि मैंने रात को जब सोया था तो मैंने सोचा था कि सुबह उठूंगा और जाकर के ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूंगा जाकर के, बट द सीन वॉज कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मुझे जिस दिन से मैं घर से निकला हूँ 15 तारीख से मुझे नींद नहीं मिली थी, तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था कि मैं सो गया। मेरी 8 बजे मेरी एक बार आँख खुली थी, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल कि यार उठ करके मैं कुछ करूँ, मैं फिर से सो गया। तो 11 बजे उठाऊँ, अभी जाऊँगा ब्रेकफास्ट करूँगा जाकर के। सोचा है अभी ऐसा, मतलब कल की तरह पोपट ना हो जाए, सोचा है ऐसा कि यार शर्मा जी की चाय जो है वहाँ चलेंगे, शर्मा जी की है ना, हाँ जो भी है शर्मा जी की चाय है वहाँ चलेंगे, और उसके बाद में चलेंगे कुछ और खाने के लिए। वैसे कचौड़ी खाने का मेरा मन है, तो कचौड़ी वाले के यहाँ चलेंगे, मस्त एकदम खाएंगे पियेंगे चल के, क्यों भूख बहुत तेज से लग रही है। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, कल रात को भी केवल ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, और थोड़ा बहुत ही खा करके आ गया था मैं। सो यस, लेट्स गो। हाँ जी सर, सारा सामान अपन ने जो है इकट्ठा कर लिया, बैग में रख लिया, अपन ने बैग भी टांग लिया और सारी चीज़ें हो गई अपन को, मतलब सारा सामान ऑन हटा करके देख लिया अपन ने कि कुछ रह तो नहीं गया, पैसे वैसे पता लगे पड़े हों, तो सब कुछ हो गया, निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट से। टाइम हो गया भैया 12:15, लेट्स गो। चलिए चलिए चलिए, सेकंड फ्लोर पे ही है। चेकआउट। चलिए जी, थैंक यू सो मच, यहाँ से अपन निकलते हैं, हो गया स्टे और अपने चलना है यार। रैपिडो वाले ने धोखा दे दिया, मेरे को ऑटो पकड़ना पड़ेगा यहाँ से, लेट्स गो। तो आ बेटा आनंद, आ जाएंगे अभी आया हूँ भाई साहब, नीतराम अजय कुमार, ये यहाँ पर एक्चुअली में खस्ता कचौड़ी एंड जलेबी, दही जलेबी बहुत ही फेमस है, इनकी दुकान है आई गेस 1979, या फिर गलत होगा तो फिर यहाँ कहीं आपको मैं डाल दूँगा, से इनकी दुकान है और काफ़ी ही ज़्यादा पूरे लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लेट्स टेस्ट दिस, मैंने सोचा देखो ऐसा है, कल तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे बट आज करते हैं ना, आज का टाइम यूटिलाइज़ करेंगे और कुछ करेंगे, और शाम को फिर अपन रात को ट्रेन पकड़ के बड़े आराम से नोएडा के लिए वापस। चलो खस्ता का वेट करता हूँ, खस्ता ऑर्डर किया मैंने क्योंकि जलेबी मेरा खाने का मन नहीं था। अपने पास जो माल आया वो ये है, चटनी है, आलू की सब्ज़ी है और खस्ता है। मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर भाई सब ठगा गया हूँ। लेट्स सी बाकी का खा के देखते हैं, ठीक है अगर इसके साथ छोले वगैरह की अगर कोई सब्ज़ी होती जो रसीली होती तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, सूखी सब्ज़ी के साथ में इतना मज़ा नहीं आ रहा, बट जो भी आई है। एंड इट्स डन, खाने में मज़ा आया बट स्टिल मतलब देखो जो कचौड़ी थी, जो खस्ता कचौड़ी थी वो तो काफ़ी ही सही थी, क्योंकि ये लोग आई गेस देसी घी में बनाते हैं इस वजह से, बट अगर इसके साथ में अगर अपने को रसीली वाली जो सब्ज़ी होती लाइक छोले वगैरह अगर कोई मिलता तो भाई साहब अलग लेवल का मज़ा आता, बट कोई नहीं इसमें भी मज़ा आया, ये भी कोई बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। ये है आपका अमीनाबाद का स्वदेशी मार्केट, काफ़ी कंजेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा वैसा मार्केट है ये जो अपना, और काफ़ी है सही है यार, काफ़ी सही सही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बढ़िया एकदम। कोई फीमेल को अगर लेकर जाओ तो भाई साहब मज़ेदार हो जाएगा सीन उनके लिए। गुरु देखो ऐसा है, अपन कचौड़ी खाने के बाद में हम आ गए अमीनाबाद की जो मेन मार्केट है उसके अंदर, और यहाँ पर है भैया प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी, तो आओ चलो प्रकाश की तरफ, कुल्फ़ी हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं प्रकाश की कुल्फ़ी कैसी है। और ये जो अमीनाबाद का जो एरिया है ये अपना चांदनी चौक जैसा ही एरिया है, यहाँ पर रात को आया था मैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्ट, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हियर इज़ आवर ऑर्डर। इसके अंदर मतलब केसर पिस्ता बादाम या ऐसा कुछ था, मतलब केसर पिस्ता वाली थी कुल्फ़ी, ये हाफ है एक्चुअली में, ये इसका चार्ज हुआ 75 रुपीज़। अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है, क्या सीन है, लेट्स ट्राई इट कि ये यार है कैसी, क्योंकि देखने में तो टेम्पटिंग सी लग रही है। लेट्स सी भाई, इन्होंने फालूदे के ऊपर आइसक्रीम डाली हुई है, फालूदे तो मंगाया भी नहीं था भाई,
अब इनके पास में एक और चीज़, इनके पास में केवल चार वैरायटी हैं, सॉरी चार भी नहीं, इनके पास केवल दो वैरायटी हैं जिसमें हाफ और फुल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इनके पास में। आई डोंट नो क्यों इतना फेमस है, बट इट्स गुड। इट वॉज नॉट दैट एक्सपेक्टेड यार, मतलब उतना मज़ा नहीं आया जितना इसका नाम है। आई विल गिव दिस प्लेस 4 out of 10। आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्लेस क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर महंगा है, और जिस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने महंगा कर रखा है उस हिसाब का यहाँ पर सामान नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छी जगह जाएँ। चलो तो अब हम पहुँच गए हैं हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो में चलेंगे, लखनऊ की मेट्रो को एक बार हम एक्सप्लोर करेंगे कि लखनऊ की मेट्रो एग्जैक्टली कैसे है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखो मेट्रो में तो कोई डिफरेंस नहीं, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा है, अपने दिल्ली नोएडा मेट्रो की तरह है। और मैंने एक चीज़ देखी है बड़े आराम से, लखनऊ में इतना कोई मेट्रो यूज़ कर नहीं रहा, मुझे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं मिली। हो सकता है स्टेशन अलग हो, यहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड ना हो, बट हाँ यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ इतनी नहीं है। वाओ हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन का क्या प्यारा इन्होंने वॉलपेपर लगा करके रखे हैं, नाइस रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, वाओ दिस इज़ लुकिंग सो रियल, दैट्स रियली गुड, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। एक चीज़ मैंने नहीं देखी, यहाँ पे जो है उर्दू में भी लिख के आता है, ये देखो जो नेक्स्ट स्टेशन जो अपने रहते हैं ना, पूरा चार्ट उर्दू में भी लिख के आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, दिस इज़ समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। वाओ दिस इज़ लुकिंग रियली गुड मैन, एंड टी शर्ट चेंज, क्योंकि रीज़न ये है कि भैया देखो ऐसा है, आज शर्ट पहनी हुई थी वो इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, एक तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, वो पता नहीं वो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा टी शर्ट डाल लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ मारे यार मैं क्या दिखा रहा था, इसे कर रहा था। एक चीज़ देखिए यार, मैं आलमबाग स्टेशन पे हूँ अभी, मतलब स्टेशन के ऊपर एक सवारी नहीं है, पूरा खाली स्टेशन है, पूरा केवल एक सवारी है यहाँ पर। इस पूरे मेट्रो स्टेशन में 3 लोगों के अलावा और कोई है ही नहीं, और जहाँ से मैं बैठा था, क्या नाम था, हुसैनगंज था शायद, वहाँ से मैं बैठा था वहाँ भी नहीं सवारी थी। यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, यहाँ के लोगों को ये चीज़ें थोड़ा हजम करने में टाइम लग रहा है, बट स्टिल आई होप कि आने वाले 4-5 सालों में अच्छा क्राउड और अच्छी तरीके से मेट्रो यहाँ पर चालू हो जाएगी, होप फॉर दी बेस्ट। और एक और कमी हो सकती है क्योंकि मेट्रो जो है हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो का एक पर्टिकुलर सिंगल पाथ है वहीं के लिए कनेक्टेड है, हर जगह के लिए कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर क्राउड कम है। फिनिक्स प्लासियो, समय हो गया 6:10, नहीं 11 मिनट हो गए पूरे, और भाई साहब यहाँ से अपने निकल गए, मतलब इतनी गर्मी में तड़पते हुए आए थे, थोड़ी सी तसल्ली में निकले हैं। ये इलाका मुझे थोड़ा सा वैसा लगा कि यहाँ पर गिरनी वगैरह कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और अभी तो पर चलो बढ़िया है, 6 बज गए, अभी चलते हैं कुछ खाएँगे पियेंगे, चौक पर चलेंगे, चौक पर जाकर कुछ खाएँगे पियेंगे, काफ़ी सुना है कि काफ़ी फेमस है, और उसके बाद में निकलेंगे अपन सीधी, अपनी ट्रेन होगी आई गेस 10 या 11 बजे की ट्रेन है, और फिर उससे अपन वापस पहुँचेंगे। एंड कुछ इस तरीके का अपना सनसेट हो रहा है,
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देखो भैया हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। टाइम हो गया 9:39 हो गए हैं और 9:45 पर अपनी जो है ट्रेन निकलने वाली है, दैट इज गोरखधाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये मुझे डायरेक्टली न्यू दिल्ली ले जाएगी। मैंने पहले सोचा था कि कानपुर जाऊंगा, बट ये मुझे अच्छी ट्रेन मिल गई, सीधा मुझे कानपुर होते हुए सीधा मुझे न्यू दिल्ली ले जाएगी, जो कि मुझे आएगी 5:30 के आसपास में उतारी जाके एकदम परफेक्ट टाइम पर। दिक्कत यही है कि टिकट नहीं मिली है यहाँ पर, ठीक है, ना मेरे पास रिजर्वेशन है, ना मेरे पास मुझे स्टेशन मुझे टिकट मिली। तो मैंने एक टीटी से बात की है, इज़ लाइक कि ठीक है आप बैठो चल के स्लीपर में, मैं आपकी जो है टिकट बना दूंगा। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जो फाइन होता है 250 उसको ऐड करते हैं और प्लस जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक का टिकट का चार्ज ऐड करते हैं, और दोनों ऐड करके मतलब बेसिकली जैसे न्यू दिल्ली जाना है तो वहाँ का आई डोंट नो मतलब जितना भी होगा उतना जो फेयर प्राइस होगा, लाइक मान लो 500 रुपये टिकट का है तो 500 में प्लस 250 फाइन का ऐड करके 750 के उस पर जो है ये टिकट बना करके दे देंगे। तो यही है, अभी बैठेंगे मस्त एकदम स्लीपर में और चलेंगे बढ़िया एकदम, डायरेक्टली ट्रेन मिल गई। मैं सोच रहा था कि इधर उधर जाना पड़ेगा बट कोई नहीं, लेट्स गो। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग लंबा हो गया और देखते हैं यार बढ़िया हो गया अपना, बहुत ज़्यादा थक गया भाई आज। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो मैंने कितने महीनों के बाद मैं वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किया, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग यार, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड थोड़ा सा सपोर्ट दो, थोड़ा सा साथ दो, मैं वापस आऊँगा और अच्छे से कंटेंट के साथ में आऊँगा। सो यार थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, चलो जी हो गई अपनी जर्नी खत्म यहाँ पे।